इसको यहाँ पर क्यों लेके आई हैं आप? स्नीच और घटिया इंसान के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। आपकी तो बहुत जान पहचान है ना एनजीओ में, लेकर जाइए कहीं पर इसे। आदि कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा हम सबके साथ। और आप भूले मत कि ये घर जितना आपका है उतना ही मेरा भी है। आप ऊपर से चाहे कितने भी ये पत्थर दिल होने का नाटक कर ले, लेकिन मैंने देखा है हॉस्पिटल में आप कितना परेशान हुए थे आदि के लिए। मुकुंद जी, मैं मानती हूँ कि आदि से बहुत गलतियां हुई है, लेकिन ऊपर वाले ने सजा दे दी है ना इसे। देखिए इसकी तरफ, पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका है। ऐसे टाइम पर हम ही तो हैं बस इसकी फैमिली। ऐसे में अगर हम इसे अपने साथ नहीं रखेंगे, इसका ख्याल नहीं रखेंगे, तो फिर कौन रखेगा? ठीक कहा आपने मीरा जी, ये घर जितना मेरा है उतना आपका भी है। तो आपके मन में जो आए ना, आप वो कीजिए। संभाल के मिमी। आदि कैसे अब? ठीक है। और आप अंदर क्यों नहीं आए? तिवारी परिवार से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और अगर मेरा कोई रिश्ता नहीं है तो हमारी किसी भी चीज पे उसका कोई राइट नहीं है। ये कार परमास की है, ना कि तिवारी की। छोड़ो ना, बस ये लो चाबी। आप ही की गाड़ी है मिमी, आप चाबी वापस क्यों कर रहे हो? हाँ तो अपनी समझ के ले ली थी, अब रख लो। लेकिन मिमी। अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, कल को दोबारा जरूरत पड़ेगी तो दोबारा ले लूंगी। गाड़ी तो है, छोड़ो ना इसे। तुम ये बताओ नव्या कैसी है? She is doing really good. क्या बात है, नव्या के नाम पे बड़ा ब्लश कर रहे हो। लगता है अब सब कुछ ठीक होने वाला है। आदि की नेगेटिविटी और उसके घर से जाने के बाद अब मेरे और नव्या के बीच में दूरियां कम हो गई हैं। That's great. God bless you both. अब बस जल्द से जल्द नव्या को माँ बनने का सुख मिल जाए, जिसके लिए वो इतने लंबे टाइम से तरस रही है। I'm really happy for both of you. Thank you, Mimi. चलो मैं चलती हूँ। See you. अगर आदि चल फिर नहीं सकता तो फिर ये कौन था? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बार फिर आदि हमारे विश्वास के साथ खेल रहा है? मीरा जी भूली है कि उनको तो बेवकूफ बना सकता है, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा। नहीं आदि, इस बार मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगा, बिल्कुल विश्वास नहीं करूंगा। मीरा जी, सामान क्यों पैक कर रही हैं? कहीं जा रही हैं क्या आप? हाँ, लेकिन सिर्फ मैं नहीं,
हम जा रहे हैं। हम? लेकिन कहाँ? आगरा। आपकी इच्छा थी ना आगरा वापस जाने की, पहले नहीं जा सके इसलिए अब जा रहे हैं। नहीं नहीं मीरा जी, देखिए आगरा जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप उस गलत फहमी को भूल जाइए। सच मैं भी भूल चुका हूँ। देखिए उसके बारे में आप ज्यादा मत सोचिए, उसकी वजह से आगरा जाना है क्या मतलब बनता है। अरे उस वजह से नहीं, देखिए हम यहाँ नव्या की वजह से रुके हुए थे, अब नव्या तो अपनी शादी में ऋत्विक के साथ अच्छे से सेटल हो गई है, तो यहाँ रहने का क्या फायदा है अब। और वैसे भी आपका भी मन था जाने का, और सच कहूँ तो मैं भी यही चाहती हूँ कि हम आगरा जाकर ही रहें, आफ्टर ऑल आपका असली घर तो आगरा में ही है। कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं। चलिए अगर आप इतना कह रही हैं तो चलते हैं आगरा। ठीक है, मैं भी अपना सामान पैक कर लेता हूँ। मीरा जी ये कपड़े किसके पैक कर दिए आपने? ये तो कपड़े मेरे नहीं है। हाँ वो इस तरफ के जो कपड़े हैं ना वो आदि के हैं। आदि? कहीं आप ये तो नहीं कह रहे हैं कि आदि हम दोनों के साथ में आगरा चल रहा है? आदि उस घर में हरगिज नहीं जाएगा। मुकुंद जी आप इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं? मैं पत्थर दिल? मीरा जी मैं पत्थर दिल नहीं हूं। ये आदमी कमीना है, एक नंबर का झूठा और धोखेबाज है। अपाहिज होने का नाटक कर रहा है मीरा जी, आप देख नहीं पा रही हैं, समझ नहीं पा रही हैं। इसी ने उस घर को बर्बाद किया था, अब उस घर में ये हरगिज नहीं जाएगा। लेकिन बस बस मीरा जी बस, ये मेरा आखिरी फैसला है, ये वहां नहीं जाएगा। मुकुंद जी आप सोच भी कैसे सकते हैं कि आदि एक्टिंग कर रहा है? देखिए उसकी तरफ, सच में पैरालाइज है वो। मीरा जी शायद आप भूल रही हैं, मैं इसका बाप हूं, इसकी रग रग से वाकिफ, ये अपने फायदे के लिए ना किसी भी हद तक गिर सकता है। और क्या देखूं इसकी तरफ मैं तो इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। जबरदस्ती आप ही उठा कर ले आई हैं इसे घर में। मुकुंद जी मैं मानती हूं कि आपने आदि का बुरे से बुरा रूप देखा है और शायद उसी की सजा भी मिल रही है इसे, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये नाटक कर रहा है? सच में पैरालाइज हो गया है, मैंने डॉक्टर से बात की है, इसकी रिपोर्ट्स देखी हैं। रिपोर्ट्स की बात कर रही हैं? है? मीरा जी रिपोर्ट्स बदलना ना इसके बाएं हाथ का खेल है। सच कितनी रिपोर्ट्स पहले बदल चुका है, कितने ऐसे खेल खेल चुका है हमारे साथ, आप जानती नहीं है। लेकिन अब मैं इसके झांसे में आने वाला नहीं हूं। मुकुंद जी मुझे समझ नहीं आता है आप इतने रूढ़ और इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं। मुझे तो लगता है कि आदि नाटक नहीं कर रहा है, आप नाटक कर रहे हैं ताकि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने का मौका मिल जाए, वरना हॉस्पिटल में तो आप बड़े परेशान हो रहे थे आदि के लिए। हाँ परेशान हो रहा था, चिंता भी हो रही थी, लेकिन आदि के लिए नहीं नव्या के लिए, क्योंकि नव्या ने इस कमीने की वजह से कितने दुख देखे हैं आप जानती नहीं है। ठीक है अगर आप कहते हैं तो मैं मान लेती हूँ कि ये नाटक कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ इसके साथ, बहुत बुरा प्लान बना के बैठा है। लेकिन अगर ऐसा है तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें उसे यहां से और नव्या से दूर ले जाना चाहिए? यहां अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए।
आदि चलो चले यहाँ से, हमें एक पल भी नहीं रहना ऐसे लोगों के साथ। अक्की, अक्की, अक्की कहाँ लेकर जा रही हो आदि को? अक्की, मत बचाइए इसे, वैसे भी ऐसे चीखे क्या करेगा, मर जाने दीजिए मासी। तेरा हाथ छोड़ो अक्की। अक्की, अक्की तुम पागल हो गई हो क्या? छोड़ो मुझे, छोड़ो। मासी, मैं कह रही हूँ रुक जाइए। मासी मत बचाइए, मैं बोल रही हूँ रुकिए। जा रही थी तुम? हाँ, क्या बेवकूफी है ये, क्यों कर रही थी तुम ऐसा? क्योंकि नहीं जीना है हमें मासी, मर जाने दीजिए। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जहाँ कोई हमसे प्यार नहीं करता, हम पे विश्वास नहीं करता, कोई हमारे रिश्ते से खुश नहीं है, किसी ने हमें एक्सेप्ट नहीं किया। इससे तो यही अच्छा है कि हम दोनों अपनी जान दे दें, सारी कहानी खत्म हो जाएगी, सबके दिल को तसल्ली मिल जाएगी और हमें रोज रोज के घुटन से छुटकारा। तो ये सलूशन है इस प्रॉब्लम का तुम्हारे हिसाब से? जिंदगी से मुंह मोड़ के मौत को गले लगाना? अक्की, जिंदगी का सामना करना सीखो। आज तुम्हारी इस बेवकूफी के कारण आदि की जान जा सकती थी, अगर मुकुंद जी ने सही टाइम पर आकर इसे बचाया ना होता। और आप, अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि आदि नाटक नहीं कर रहा है?
हाँ हो गया विश्वास, मानता हूँ कि आप आई, लेकिन फिर भी इसको कभी माफ नहीं करूंगा मैं, क्योंकि एक बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि जिस दिन ये अपने पैरों पर वापस खड़ा होगा, फिर अपने रंग वापस दिखाना शुरू कर देगा। फिर ये वही कमीना और नीच इंसान बन जाएगा जैसा ये पहले था। आदि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सॉरी सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं ऋतिक, आई एम रियली सॉरी। छोड़ो मुझे। ऋतिक तुम जाओ चेंज करो, तुम पूरे गीले हो। गो। तो क्या हुआ? अरे छोड़ो मुझे जाने दो प्लीज। नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा अपने दिल के पास रखूंगा तुम। इन दोनों के प्यार को देख के तो यही लगता है कि नव्या जल्दी ही माँ बन जाएगी और गुड न्यूज मिलेगी और हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। देख लिया मीरा, देविका परमार नाम है मेरा, जो एक बार ठान लेती हूँ ना उसे करके दिखाती हूं। अब नव्या मेरी साइड आ चुकी है और तुम पिक्चर से आउट हो चुकी हो और परमार फैमिली से भी। हेलो, क्या हुआ नव्या, तुम्हारी तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक है ऋतिक, बस भारत को मिस कर रही हूँ। अच्छा है मेरा वो ऋतिक, माँ हूँ मैं उसकी। उसे मेरे सामने रो रहा था वो, मैंने उसे पकड़ भी नहीं पाई, चुप भी नहीं करा पाई। समझ नहीं आ रहा पापा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उन्होंने भी मीरा जी का साथ दिया, मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर दिया। तुम मिमी और मुकुंद जी को गलत समझ रही हो, काश मिमी ने मुझे अपनी कसम देकर रोका नहीं होता तो मैं तुम्हें सब कुछ सच बता पाता कि मिमी ने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे और भरत के अच्छे के लिए किया है। मुकुंद जी एक बार सोच लीजिए कोई भी फैसला लेने से पहले। मुकुंद जी आप बात को समझ क्यों नहीं रहे हैं? अरे क्या समझूं बात को मैं, कब से बढ़ 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 कितना बोलती हैं आप, बोल बोल के दिमाग खराब कर दिया। अब क्या कोई आपसे क्या क्या आपसे हैं? मीरा जी आपको पता है कितना बकबक करती हैं आप, बाकी ऐसी की तैसी करती हैं। क्या बोला आपने? कुछ नहीं बोला मेरी माँ, कुछ नहीं बोला। आप यही चाहती है ना कि आदि हमारे साथ चले आगरा, चले ठीक है
आप जीती मैं हारा, आप खुश हैं आप? लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, सच बोल रहा हूं, अगर इस बार उससे कोई भी उल्टी सीधी हरकत की मैं संन्यास लेके पहाड़ों पर चला जाऊंगा और फिर वापस नहीं आऊंगा। उस पर अच्छा हो बुरा हो आप संभाल। चलो जिस भी बहाने से माने, आदि की बात भी मान तो गए। वैसे कुछ बात तो है तुम्हें मीरा, कोई और माने ना माने।